अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबसे पहले वाइटमिन का इंट्रोडक्शन कवर किया था। देन वी वेंट थ्रू फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ वाइटमिन्स। बट इनकी एक अच्छी बात क्या है कि जिस तरह से फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स अगर एक्सेस में हो जाती हैं तो उनसे टॉक्सिसिटीज कॉज होती हैं। दीज वाइटमिन्स कैन ईजिली बी एक्सक्रीटेड आउट इफ दे आर इन एक्सेस। ठीक है, इनकी स्टोरेज के इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। सो इनकी स्टोरेज या इनकी एक्सेस होने की वजह से बॉडी में अमूमन टॉक्सिसिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाइटामिन इन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन इज वाइटामिन सी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। एज यू कैन सी हियर, एस्कॉर्बिक एसिड हैज टू फॉर्म्स। वन इज रिड्यूस्ड फॉर्म एंड द अदर वन इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। वॉट आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ दिस एस्कॉर्बिक एसिड? It's an indiol lactone of an acid with a configuration similar to that of sugar L-glucose. Now, what is an indiol? Indiol is basically an alkene which has hydroxyl group on both carbon having double bonds. यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके पास दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, both of these carbons have hydroxyl group on their on themselves. ठीक है, अच्छा अब What is a lactone? Lactone is an ester in which the functional group has become part of ring structure. इसमें because it's an acid, तो organic acid अमूमन कौन से होते हैं? Carboxylic acids. यहाँ पे जो इसके इसमें carboxylic acid है, this carboxylic acid that has become part of the ring structure. ठीक है, carboxylic acid में COOH में से एक जो oxygen है that is participating in the ring structure. So This type of structure is called as lactone, जिसमें functional group participate कर रहा है in formation of ring. ठीक है, so this is an indiol. अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हमने mention की है कि it's a L structure. L structure अगर आपको याद होगा तो L sugars कौन सी sugars होती थी जिसमें जो आपका second last carbon है उसका फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड में चाहे उसकी रिड्यूस फॉर्म हो या उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों में जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या नोट करेंगे? इट इज अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड ओइंग टू डिसोसिएशन ऑफ इनोलिक हाइड्रोजन एट कार्बन टू एंड कार्बन थ्री। वॉट विच वन इज इनोलिक हाइड्रोजन? यहाँ पे आपके पास ये कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन डिसोसिएट इट्स हाइड्रोजन। जब इसको डिजोल्व करेंगे पानी में तो दिस हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड और जिसकी वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर देता है। हम एसिड उन्हीं कंपाउंड को कहते हैं ना जो अपने डिजोल्व सोल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करते हैं। सो दिस इज डोनेटिंग अ हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन ये डोनेट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट्स अ गुड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, डी फॉर्म्स आर जनरली इनएक्टिव एज एंटी स्कॉर्बियोटिक एजेंट। नेचुरली अक्रिंग वाइटामिन सी इज एल एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्टली हमारे पास एल एस्कॉर्बिक एसिड नेचर में पाया जाता है। अगर डी एस्कॉर्बिक एसिड हो तो डी एस्कॉर्बिक एसिड में क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज ऑन द राइट साइड, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के राइट साइड के होने की वजह से इसमें ये जो रिंग है इसकी वजह से इसमें हिंड्रेंस आती है। ठीक है, इस हिंड्रेंस की वजह से दिस इज नॉट अ वेरी एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, हमने इससे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो डी और एल शेप है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द रिएक्शन ऑफ एनी कंपाउंड विद इट्स रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर से इंटरेक्शन के लिए किसी भी कंपाउंड के जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड की अगर डी फॉर्म एक्टिव है तो एल फॉर्म भी एक्टिव हो या एल फॉर्म एक्टिव है तो डी फॉर्म भी एक्टिव हो। ठीक है, जिस तरह से हमने शुगर्स के बारे में पढ़ा था तो शुगर्स हमारे पास ज़्यादातर कौन सी होती थी? डी शुगर्स होती थी। हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर शुगर यूटिलाइज होती है ऑल ऑफ दोज आर डी शुगर। इसी तरह से अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो अमाइनो एसिड हमारे पास मोस्टली कौन से बॉडी में यूटिलाइज होते हैं? एल अमाइनो एसिड। सो इन केस ऑफ विटामिन सी, एल एस्कॉर्बिक एसिड इज द विटामिन व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। डी एस्कॉर्बिक एसिड का इतना ज्यादा एंटी एस्कॉर्बियोटिक एजेंट उसका रोल नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी डिपेंड्स ऑन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द इंडायोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप on carbon 2 and carbon 3. The ascorbic acid being oxidized to dehydroascorbic acid, for example by air, hydrogen peroxide, ferric chloride, methylene blue,
पेरिसायनाइड 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल एटसेट्रा, जितने भी आपके पास मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उन सब से एस्कॉर्बिक एसिड की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, द रिएक्शन इज रेडिली रिवर्सिबल बाय रिड्यूसिंग एजेंट इन विट्रो बाय हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इन वीवो बाय एसएच ग्रुप कंपाउंड सच एज ग्लूटाथायोन. ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा इट मीन्स के रिडक्शन हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन. ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद द कार्बन और ये इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, सो दिस इज अ रिलेटिवली अनस्टेबल स्ट्रक्चर. आपको पता है डबल बॉन्ड में हमेशा पाई बॉन्ड की वजह से इनस्टेबिलिटी होती है. सो अगेन जैसे ही इसको कोई हाइड्रोजन मिलेगा इट कैन अगेन फॉर्म द डबल बॉन्ड विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो एल एस्कॉर्बिक एसिड इज बेसिकली इसकी कंटिन्यूसली फॉर्म चेंज होती रहती है. इट कैन अकर इन रिड्यूस फॉर्म ऑल्सो एंड इन ऑक्सीडाइज फॉर्म एज वेल. ओके okay now functions of vitamin c. vitamin c has numerous functions as you can see here that I have listed around 15 functions of vitamin c. sabse first function iska hai role in cellular oxidation reduction, kyunki itself hi oxidize or reduce form mein exist karta hai. so such type of compounds are very much important for oxidation reduction reactions. so the first role of vitamin c is in cellular oxidation reduction reaction because it is a sensitive compound which can easily be oxidized and reduced. okay, it also act as a hydrogen transport agent. hydrogen transport agent ke taur pe kis tarah se act karta hai ke jaise hi isko kahin pe hydrogen milega to iski jo oxidized form hai that will gain the hydrogen and become कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करना होगा वहाँ पे ये इजीली डिसोसिएट होकर अपना हाइड्रोजन वहाँ पे डोनेट कर देगा और फिर अगेन जहाँ से इसको हाइड्रोजन मिलेगा वहाँ से ये एक्सेप्ट कर देगा. इन दिस वे इट कैन एक्ट एज एन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एजेंट. सेकेंड रोल इज इन कोलेजन सिंथेसिस. वॉट इज कोलेजन? कोलेजन बेसिकली सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. कोलेजन की जो सिंथेसिस होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोलीन एंड लाइसिन का. It's and vitamin C is a cofactor in hydroxylation of proline and lysine, which are again a very important constituent of collagen fiber. Third role of vitamin C is in functional activity of fibroblast and osteoblast. Next role of vitamin C is in tryptophan metabolism. Tryptophan, आपको पता है, एक amino acid है, which is very important for synthesis of serotonin. और serotonin की synthesis के लिए again vitamin C act as a cofactor. It also has a role in tyrosine metabolism. In tyrosine metabolism, vitamin C is required as a cofactor for catabolism in liver. Okay, formation of active tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate is important for maturation of red blood cells. So vitamin C is a cofactor of that process as well. Formation of ferritin. Ascorbic acid is necessary for iron storage protein ferritin. फेरेटिन एक्ट एज एन आयरन स्टोरेज प्रोटीन. तो अगर जब तक वाइटामिन सी फेरेटिन की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा उस वक्त तक बॉडी में आयरन की स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. इट सिंपल वाइटामिन सी एक्ट एज अ कोफैक्टर इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ दिस रोल इज अननोन बट इट इज कंसिडर्ड टू टेक पार्ट इन हाइड्रो ऑक्सीलेशन. ठीक है, हाइड्रो ऑक्सीलेशन में हेल्प करता है जिसकी वजह से इट प्लेज अ रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इट इज एन एक्शन ऑन सर्टन एंजाइम एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन. कुछ एंजाइम्स हैं जिनको ये एक्टिवेट करता है एंड अगेन कुछ एंजाइम्स हैं जिसको ये इनहिबिट करता है. इट एक्टिवेट्स अर्जिनेस एंड पेपैन एंजाइम and it inhibits urease and beta amylase. okay, next role is role in formation of catecholamines. catecholamines aapke paas epinephrine and norepinephrine hote hain. it is required as a coenzyme for conversion of dopamine to norepinephrine.
role in formation of carnitine. Carnitine is a very important compound which act as a shuttle system. It helps to transport certain compounds from cell cytoplasm to outside of the cell membrane. ठीक है. सो कार्निटीन शटल सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इट सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्निटीन. ओके. नेक्स्ट इज रोल इन अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड एज अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. एंड विटामिन सी इज सिग्निफिकेंट. विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन. विटामिन सी इज अ को फैक्टर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फैटी एसिड्स. ओके. It also has an effect on cholesterol level because vitamin C reduces LDL and triglycerides. LDL is bad cholesterol, low density lipoproteins, जो body को नुकसान पहुंचा सकते हैं. So vitamin C also has a role in atherosclerosis. Another very important role is in stress. Vitamin C reduces both physical and psychological effects of stress. So that is all about vitamin C. आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विटामिन नाउ. ओके. सो द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. व्हाई डू वी कॉल इट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. हम इनको अलग अलग इनकी नेमिंग क्यों नहीं की. इनको B1, B2, B3 इस तरह से क्यों नेम करते हैं. बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू ऑल द नोन एसेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिंस एक्सेप्ट विटामिन सी. ठीक है. दीज इंक्लूड थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड ग्रुप्स एंड साइनोकोबालमिन. दे आर बेसिकली ग्रुप टुगेदर नॉट बिकॉज ऑफ देयर केमिकल सिमिलैरिटीज बट ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे वर्क क्लोजली इन बॉडी. इनके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. दे डायरेक्टली इम्पैक्ट एनर्जी लेवल्स, brain functions, cell metabolism, immunity, cell health, etc. They have multiple functions, but basic thing is कि इनके ज़्यादातर sources भी same होंगे. हमने से पहले भी ये चीज़ discuss की थी कि ऐसा normally नहीं होता है कि सिर्फ किसी के अंदर vitamin B1 की deficiency हो जाए या सिर्फ किसी के अंदर B2 की deficiency हो जाए. Since the sources are same, so deficiency overall malnutrition की वजह से होती है. और जब किसी एक विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी तो ओवरऑल आपके पास तमाम विटामिन बी की डेफिशिएंसी पॉसिबल है. सो अगर आप वैसे भी देखें तो सिर्फ विटामिन B6, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ये तीन विटामिन ऐसे हैं जो आपके पास सेपरेटली मार्केट किए जाते हैं एज अ ड्रग. वरना ओवरऑल जब आप किसी को विटामिन बी के प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर सप्लीमेंट्स तो उसमें आप देखेंगे कि तो हमेशा विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स ही सप्लीमेंट किया जाता है. ठीक है. सो द बेसिक थिंग इज दे आर बीइंग कॉल्ड एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स बट बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. ब्रॉडली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, हमने इससे पहले भी इसको टेबल में डिस्कस किया था कि दीज विटामिंस कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर थ्री रोल्स. द फर्स्ट वन इज एनर्जी रिलीजिंग रोल. विटामिन B1, B2, B3, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड. दीज फाइव विटामिंस कैन बी कंसिडर्ड एज एनर्जी रिलीजिंग विटामिंस. सम अदर विटामिंस हैव रोल इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच आर फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. उसके अलावा विटामिन B6 हैज डाइवर्स फंक्शंस जिसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. थायमीन और द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायमीन आर इट्स अ बेसिक सब्सटेंस एंड कंटेन्स अ पायरिमिडीन एंड अ थायाजोल रिंग व्हिच मींस इट कंटेन्स सल्फर. व्हाट इज द पायरिमिडीन रिंग. This ring here is pyrimidine ring. Pyrimidine ring is a 6-membered ring with 2 nitrogen and a thiazole ring. This one is thiazole ring here. This one is thiazole ring. Thiazole ring is a 5-membered ring with 1 nitrogen and 1 sulfur. So these are the structural characteristics of thiamine. Now, it has a central role in energy yielding metabolism. अभी मैंने आपको बताया था starting में कि vitamin B1 जो है वो एनर्जी यील्डिंग उसका रोल होता है. और सबसे ज़्यादा जो उसका इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. थायमिन डाइफॉस्फेट इज द को एंजाइम फॉर 3 मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस दैट कैटलाइज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. विटामिन सी जिस तरह से
टेक पार्ट करती है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में. इसी तरह से विटामिन B1 हैज अ रोल इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, थायमिन डाइफॉस्फेट इज ऑल्सो द कोएंजाइम फॉर ट्रांसकीटोलेज इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अगेन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो जैसे मैंने सबसे पहले बात कही थी कि विटामिन B1 हैज अ रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो अगेन ये इसको रीइंफोर्स कर रहा है इस बात को. थायमिन ट्राइफॉस्फेट हैज अ रोल इन नर्व कंडक्शन. इट फॉस्फोराइलेट्स एंड सो एक्टिवेट्स अ क्लोराइड चैनल इन द नर्व मेम्ब्रेन. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल एक्टिवेट होता है. उस और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं फॉस्फोराइलेशन के, बट इन दिस केस फॉस्फोराइलेशन विच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ थायमिन ट्राइफॉस्फेट, इट एक्टिवेट्स अ क्लोराइड चैनल इन द नर्व मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन. हमने ये बात पहले भी कही है कि विटामिंस की जो डेफिशिएंसी है, ऑल ऑफ दोज डेफिशिएंसीज आर इंटर रिलेटेड. तो जब भी किसी भी विटामिन की वजह से कोई डिजीज होती है, इट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अ सिंड्रोम. एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिनको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं कि ये एक सिंड्रोम है. ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है, वी ऑल नो किसको आप कॉमनली बेरी बेरी कहते हैं. बेरी बेरी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. या तो इट कैन बी अ ड्राई बेरी बेरी विच इज क्रॉनिक पेरिफेरल न्यूराइटिस. इन ड्राई बेरी बेरी नर्व डैमेज अकर्स एंड इट कॉजेज मसल वीकनेस एंड इवेंचुअली कंप्लीट पैरालिसिस. द सेकेंड टाइप ऑफ बेरी बेरी इज एक्यूट परनिशियस बेरी बेरी, और वी ऑल्सो कॉल इट वेट बेरी बेरी, इन विच हार्ट फेलियर एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज प्रीडोमिनेट विदाउट पेरिफेरल न्यूराइटिस. इट मीन्स कि इस वेट बेरी बेरी में मोस्टली नर्व डैमेज नहीं होता, बट इसमें हार्ट के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड एज कम्पेयर टू क्रॉनिक बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, एक्यूट बेरी बेरी इज वेरी सीवियर. क्रॉनिक बेरी बेरी मोस्टली ट्रीटेबल होती है कि थायमिन डेफिशिएंसी अगर सप्लीमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाती है. बट इन केस ऑफ एक्यूट बेरी बेरी सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि डायरेक्टली हार्ट फेलियर पॉसिबल होता है. ठीक है, सो इट इज़ मोर फेटल. एंड द थर्ड टाइप ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी डिजीज इज वर्निक-कोर्साकोफ सिंड्रोम. वर्निक-कोर्साकोफ सिंड्रोम इज अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ बेरी बेरी. इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन डैमेज होता है एंड इस सीरियस ब्रेन इंजरी की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल, सीवियर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है पेशेंट को. सो वेरी डिस्टर्बिंग कंडीशन होती है. अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर जो रीज़न होता है थायमिन डेफिशिएंसी का, वो ये होता है कि थायमिन डेफिशिएंसी एक तो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, सेकेंडली इट इज़ वेरी कॉमन इन अल्कोहल एंड ड्रग यूजर्स. वाई? बिकॉज मोस्टली जो ड्रग यूजर्स होते हैं या जो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे होते हैं, दे टेक वेरी पुअर डाइट एंड देयर न्यूट्रिशन लेवल इज़ वेरी लो. सो एंड बिसाइड दैट, द अल्कोहल एंड ड्रग इज़ ऑल्सो कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग विच डिक्रीजेज द बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन. सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस विटामिन बी वन डेफिशियंसी कॉजेज द डिजीज बेरी बेरी, विच कैन ईदर बी एक्यूट, क्रॉनिक और extremely severe, like in the case of Wernicke-Korsakoff syndrome. So the second vitamin in vitamin B complex is riboflavin. Riboflavin is an orange yellow compound which contain a ribose alcohol. Ribose alcohol is basically this portion in the structure is ribose alcohol. It is converted into it is also called as D-ribitol. And second structure is a heterocyclic parent ring structure, which is isoalloxazine or flavin nucleus. This is the flavin nucleus. ये जो हमारे पास तीन fused rings आ रहे हैं, these are the flavin nucleus. First carbon of ribitol group. This is when ribose sugar has been converted into alcohol. This is called as ribitol. First carbon of this chain is attached on the position 9 of flavin nucleus. Ribitol, again I already explained that ribitol is an alcohol derived from pentose sugar
राइबोज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसके अंदर 5 कार्बन शुगर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है दैट इज फ्लेविन न्यूक्लियस और आइसो एलोक्साजीन न्यूक्लियस, ठीक है। राइबोफ्लेविन प्रोवाइड्स द रिएक्टिव मॉइटीज ऑफ द कोएंजाइम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एंड फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। दे टेक पार्ट इन मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे यू विल स्टडी मोर अबाउट दीज को फैक्टर्स। फ्लेविन कोएंजाइम्स आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ऑल ऑफ दोज आर बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है उसमें। और जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं दे नीड टू बी रिस्टोर्ड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो इस ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है विच इज बींग रन मेनली बाय राइबोफ्लेविन कोफैक्टर्स, ठीक है। राइबोफ्लेविन की मदद से जो हमारे पास दो मेन कोएंजाइम्स बनते हैं विच इज FMN एंड FAD, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इंश्योर करती है कि बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्मूथली रन होते रहें। विटामिन B3 विच इज आल्सो कॉल्ड एज नायसिन। Niacin is a nicotinic acid. It means it has a carboxylic acid group attached at in the ring position. Nicotinic acid is available in the body in the form of an amide. You can see here that niacin basic vitamin hai, vitamin B3 which we can intake in our diet. Aur body mein ye is form mein exist karti hai as pyridine 3-carboxylic amide. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे अमाइड ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होगी विच इज कॉल्ड एज निकोटीन अमाइड। इन दिस फॉर्म इट एंटर्स इनटू द फिजियोलॉजिकल एक्टिव कॉम्बिनेशन। और फिजियोलॉजिकली जो एक्टिव फॉर्म है नायसिन की दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन अमाइड। डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन कॉजेस पेलेग्रा। पेलेग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस। इट मींस स्किन इन्फेक्शन होता है विच इज एग्रेवेटेड बाय लाइट। As the condition progresses, there is dementia and possibly diarrhea. Skin सबसे पहले skin को affect करेगी vitamin B3 की deficiency and जैसे ये move on होती जाएगी उसके साथ साथ brain को affect करेगी which will cause dementia, memory loss होगा and possibly diarrhea, साथ साथ वो GIT को भी affect कर सकता है। Untreated pellagra is fatal, जैसे कि हम progression of disease में हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पहले सबसे पहले उसने स्किन को अफेक्ट किया, देन इट मूव्ड ऑन टू ब्रेन और उसके बाद उसने GIT को भी अफेक्ट किया। सो ओवरऑल वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। सो इफ वी डू नॉट ट्रीट पेलेग्रा इट कैन बी वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड इट विल बी फेटल। ट्रिप्टोफैन और नायसिन प्रिवेंट्स और क्योर्स द डिजीज। क्योंकि नायसिन इज अ विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो अगर हम ट्रिप्टोफैन का इंटेक बढ़ा दें या डायरेक्टली नायसिन देना शुरू कर दें तो इट कैन प्रिवेंट और क्योर द डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन और विटामिन B6, बोथ ऑफ विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ निकोटिनामाइड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन मे ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ नायसिन को सब्सटीट्यूट करना इनफ नहीं होता, दैट इज़ वाई जब भी हमारे पास किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है वी गिव द पेशेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ताकि उसके साथ जो एसोसिएटेड विटामिन डेफिशिएंसीज हैं दैट कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। अ नंबर ऑफ जेनेटिक डिजीजेस दैट रिजल्ट इन डिफेक्ट्स ऑफ ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेलेग्रा डिस्पाइट एन अपेरेंटली एडिक्वेट इनटेक ऑफ बोथ ट्रिप्टोफैन एंड नायसिन। अच्छा, अब पेशेंट अगर ट्रिप्टोफैन भी ले रहा है और नायसिन भी ले रहा है बट स्टिल डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर बीइंग मैनिफेस्टेड, इट मींस कि जो ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म है या जो नायसिन का मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है प्रोबेबली दोज एंजाइम्स आर एब्सेंट इन दैट पेशेंट्स बॉडी। सो पेलेग्रा कैन ऑल्सो अकर डिस्पाइट पेलेग्रा उस सूरत में भी हो सकती है कि अगर डेफिशिएंसी ना हो विटामिन B3 की, विटामिन B3 एडिक्वेटली ली जा रही है लेकिन वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रही, उसको बॉडी में यूज़ नहीं किया जा रहा, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज पेलेग्रा। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B6 और पायरेडॉक्सिन। पायरेडॉक्सिन इज द फॉर्म विच हैज़ अल्कोहल ऑन द रिंग।
अदर फॉर्म्स इंक्लूड पैराडॉक्सल एंड पैराडॉक्सामीन. ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच है दैट विल बी कॉल्ड एज पैराडॉक्सल, और जो आपकी बेसिक टाइप है पैराडॉक्सीन. दूसरी टाइप उसकी पॉसिबल है यहाँ पे अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, सो इट विल बी कॉल्ड एज पैराडॉक्सल. और अगर एल्डिहाइड के बजाय अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है विद एन NH2 देन इट विल बी कॉल्ड एज पैराडॉक्सामीन. ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, तीनों विटामिन B6 कहलाती हैं. पैराडॉक्सल फॉस्फेट इज अ को एंजाइम फॉर मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म स्पेशली ट्रांसअमाइनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. जिस तरह से विटामिन B1 का रोल था कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, इसी तरह से विटामिन B6 इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. कौन कौन से रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा ये? ट्रांसअमाइनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. यू हैव टू रिमेंबर विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन. लाइक विटामिन C इज इम्पॉर्टेंट फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, विटामिन B1 इज इम्पॉर्टेंट फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, विटामिन B6 इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसअमाइनेशन एंड विटामिन B1 इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड विटामिन B6 इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसअमाइनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. इट इज ऑल्सो द को फैक्टर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वेयर द फॉस्फेट ग्रुप इज कैटालिटिकली इम्पॉर्टेंट. इन एडिशन B6 इज इम्पॉर्टेंट इन स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन. जितने भी हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनके एक्शन को प्रोपोगेट करने के लिए, उनके एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए विटामिन B6 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. पैराडॉक्सल फॉस्फेट रिमूव्स द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम DNA बाइंडिंग टर्मिनेटिंग द एक्शन ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, इन विटामिन B6 डेफिशियंसी देयर इज इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द एक्शंस ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड्रोजन्स कॉर्टिसोल एंड विटामिन डी. पैराडॉक्सल फॉस्फेट बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हार्मोन्स का एक्शन जब हमारे रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच जाता है इट बेसिकली कंट्रोल्स द हार्मोन्स और उसके एक्शन को ये स्टॉप करेगा. ठीक है, अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो लो लेवल्स ऑफ हार्मोन्स कैन ऑल्सो कॉज मोर रिएक्शन. ठीक है, इनसेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसको स्टॉप करने के लिए कोई कोएंजाइम प्रेजेंट नहीं है. सो हार्मोन विल कीप परफॉर्मिंग इट्स एक्शन, तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा. केमिकली कोबालामीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इट हैज लेकिन इसको हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे. सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 रिड्यूस्ड एंड एक्सटेंसिवली सब्स्टिट्यूटेड पायरोल रिंग्स. व्हाट इज अ पायरोल रिंग? पायरोल रिंग इज बेसिकली अ 5-membered रिंग विद 1 नाइट्रोजन ईच. अब लेकिन यहाँ पे जो पायरोल रिंग है उससे बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन हुई हुई हैं. सो जब आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 1, 2, 3, 4. दीज आर द बेसिक पायरोल रिंग और इसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं विच वी आर कॉलिंग एज सब्सटीट्यूशन. ठीक है, बीच में इसके एक कोबाल्ट एटम है और इसके चारों तरफ ये जो पायरोल रिंग है इस और हैवीली सब्सटीट्यूटेड पायरोल रिंग, इस पूरे सिस्टम को आप नाम देते हैं कोरिन रिंग सिस्टम का. कोरिन रिंग सिस्टम के नीचे एक दूसरा रिंग सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज DBI और डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल. ठीक है, डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल यहाँ पे दिस इज द कोरिन रिंग सिस्टम. यहाँ पे नीचे इसके कौन सा सिस्टम है? डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल. ठीक है, उसके बाद डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज राइबोसाइड. This portion of cobalamin molecule is called as riboside. So the DBI ring is attached from one end to central cobalt atom. यहाँ पे जो ये DBI ring है इस एक तरफ से cobalt atom के साथ attached है और दूसरी तरफ से ये riboside के साथ attached है. ठीक है, one phosphate group connects ribose moiety to amino propanol which is esterified which in turn is attached to propionic acid side chain of रिंग 4. ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें कि हियर ये जो आपका DBI रिंग स्ट्रक्चर है दैट इज कनेक्टेड हियर विद द रिंग नंबर 4. अ साइनाइड ग्रुप इज कोऑर्डिनेटली बाउंड टू द कोबाल्ट एटम एंड इज कॉल्ड एज साइनो कोबालामीन. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोबाल्ट रिंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग a coordinate covalent bond which it forms with the cyanide, और जिसकी वजह से आप इसको cyano cobalamin का नाम देते हैं.
So what are the physiological roles of vitamin B12? It is needed for nerve tissue health, brain function and production of red blood cells. ठीक है, हमने से पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से. इट प्लेज अ पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन. अगेन हमारे पास इस हमने तीन विटामिन डिस्कस किए हैं जिनका इंडिविजुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में रोल है. विटामिन B12 हैज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड एनर्जी प्रोडक्शन. विटामिन B12 इनेबल्स द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय हेल्पिंग द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब फॉलिक एसिड. एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि विटामिन B12 फॉलिक एसिड के साथ मिलकर सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करता बल्कि साथ साथ ये फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को भी आसान बनाता है. आरबीसी मैच्योरेशन इज डिपेंडेंट ऑन कोबालमीन. कोबालमीन के बगैर, विटामिन B12 के बगैर आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं हो सकते. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन B12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, बट ये सिर्फ एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट होती है. तो जो लोग हम वेजिटेरियन होते हैं या जिनका एनिमल डाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उन लोगों को विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैरीज अ सीरियस रिस्क ऑफ परमानेंट नर्व एंड ब्रेन डैमेज, क्योंकि नर्व टिश्यू हेल्थ को इम्प्रूव करता है. तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, इट कैन कॉज नर्व एंड ब्रेन डैमेज. डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड नमनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट एंड बैलेंस प्रॉब्लम. आजकल विटामिन B12 का जो सबसे अच्छा मार्कर है, जो विदाउट एनी ब्लड टेस्ट के भी हम कह सकते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पॉसिबल है, इसका डायग्नोस्टिक मेजर है कि बहुत ज़्यादा हाथों में और पैरों में जैसे हम कहते हैं सुन होने लगते हैं उस तरह से, और उसके अलावा बैलेंस प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनको चीज़ों को. फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, आप उनकी तरफ कुछ थ्रो करें बहुत ईजीली उसको कैच कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली देयर कोऑर्डिनेशन. तो ये कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होती है किस में, विटामिन B12 में. उसके अलावा उनको चलने में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो लोग. सो विटामिन B12 हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस एज वेल. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द फैट सॉल्युबल विटामिंस. आई होप आपको विटामिंस का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं इस वीक में एक इंटरेक्टिव सेशन प्लान कर रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ताला वेनसडे तक अपडेट कर दूंगी. सो वी विल डिस्कस ऑल द रिलेटेड इश्यूज इन दैट इंटरेक्टिव सेशन इंशाल्लाह ताला. थैंक यू क्लास.